गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम आकांक्षा, योर मैथ्स टीचर। बेटा, आज हम मैथ्स में चैप्टर 6 फ्रैक्शंस शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस को हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न होती है जो संख्याएं बटे में लिखी जाती हैं, ठीक है। अंश बटे हर में लिखी जाती हैं, उन संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखा लिखा गया है, चित्र में देखो रंगे भाग को भिन्न के रूप में लिखो। यानी हमको क्वेश्चन में जो ये ब्लू कलर से दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इसको देखना है। और जो कलर वाला पोर्शन है, यानी जो इसमें रंगा भाग है, जहाँ टेढ़ी लाइन दिख रही है, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो बेटा, इसको भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ देखेंगे, ये एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इसके कितने हिस्से हो रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। कितने हिस्से हैं टोटल? 4 हिस्से हैं। देखो मैं अलग बना के दिखाती हूँ। ये एक बॉक्स है, इसमें 1, 2, 4 हिस्से हैं। 4 में से एक हमने क्या कर दिया? रंग दिया। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? देखो, जो टोटल वाला, जो टोटल हिस्से हैं, वो तो यहाँ नीचे आता है बटे में। कितने हैं टोटल? 4 हैं। ऐसे इसको कहते हैं बटे का निशान, ये हमने लिखा नीचे 4। रंगा हुआ भाग कितना है? 1 है, तो लिखेंगे 1। तो ये हो गया देखो 1/4, ये आपका आंसर हुआ। इसको बोलते हैं अंश। ऊपर वाला होता है अंश और ये नीचे वाला होता है हर। अंश बटे हर, ठीक है, ये होता है बटे का निशान। तो हो गया ये 1/4। अब अगले वाले में देखो, अगले वाले में कितने हिस्से बने हुए हैं टोटल? देखो ऐसे ये बॉक्स इस तरह से बना हुआ है। कितने हिस्से गिन लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितने हैं? 6। नीचे आएगा 6 हर में, और रंगा हुआ भाग कितना है? सिर्फ ये वाला डब्बा रंग रहा है, यहाँ देखो। तो कितना हुआ? 1। तो कितना हो गया ये? 1/6 आंसर। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला है 1/2, 2/3 और 3/5 को चित्र के रूप में दर्शाओ। तो पहले क्वेश्चन में क्या था? चित्र दिया गया था, उसको हमने बटे के रूप में लिखा था। इस बार बटे के रूप में, यानी भिन्न के रूप में संख्या दी गई है, उसको चित्र बनाना है। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/2। इसका मतलब हुआ कि हम एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिसके दो होंगे। टोटल हिस्से कितने होंगे? जिसमें 2 होंगे। तो देखो हमने ये बॉक्स बनाया, 2 बना दी हिस्से, क्योंकि संख्या क्या है? 1/2। यानी कुल वाला जो होता है वो नीचे आता है 2। अब कह रहा है कितने रंगने हैं हिस्से? 1 रंगना है, तो बस इसको कलर कर दो, हो गया चित्र तैयार। ये देखो 1/2। ऐसे ही अगले में है, ये 2/3 वाला बेटा मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। दिस इज़ योर HW, ठीक है। इसको आप करने की प्रैक्टिस करना, ना हो तो मुझसे फिर पूछना। अब मैं आपको जो ये 3/5 है, इसको करके दिखाती हूँ। देखो 3/5 को हमने कैसे किया? एक गोला बनाया, इसके 5 भाग कर दिए बराबर बराबर। गिनो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कर दिए। इसमें से कितने हिस्से रंगने हैं? 3 रंगने हैं। तो एक तो हमने ये रंग दिया इधर, एक ये वाला रंगा है, और एक कौन सा रंगा है? एक हमने ये वाला रंग दिया। तो क्या हो गया ये? 3/5, यानी कुल हिस्से 3 रंग दिए और टोटल 5 हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अंश और हर लिखो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है भिन्न का, वो अंश कहलाता है, जो नीचे वाला होता है वो हर कहलाता है। देखो 3/7 को हमने क्या लिखा? अंश, ऊपर हर, नीचे अंश बटे हर। ऐसे ही 4/7 को कैसे लिख दिया? अंश बटे हर। 2/5 को कैसे लिख दिया? अंश बटे हर, ठीक है। अंश बटे हर के रूप में हमने इनको लिख कर दिखा दिया। अब प्रश्न नंबर 4 में बोला है छोटी व बड़ी भिन्न बताओ। देखो एक तो है 3/5 और एक है 4/5। नीचे जो है वो 5 दोनों में बराबर दिया है। अब आपको पता है 3 और 4 में कौन सा बड़ा होता है? 3 छोटा होता है और 4 बड़ा होता है। तो छोटी भिन्न हो गई 3/5 और बड़ी भिन्न हो गई 4/5। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन करते हैं 6 पार्ट 4 का।
4/7 व 6/7 में बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताओ। तो देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हर तो समान है। अंश देखो 4, तो ये छोटी भिन्न हो गई, ये है 6/7, ये होगी कैसी, बड़ी भिन्न हो गई। अब इसका जो गै पार्ट है और घै पार्ट है वो बेटा आपका होमवर्क है, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करना, दैट इज़ योर होमवर्क। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी समस्या महसूस होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक क्लास में, ठीक है। टेक केयर गर्ल्स।